किसानों की आय दुगुनी हो एवं वर्ष भर आमदनी होती रहे, यह चुनौती है। आज हम एक ऐसे मॉडल पर खड़े हैं जिससे इस चुनौती को साकार किया जा सकता है। यह है IFS मॉडल। इसमें कृषि के कई इकाइयों को एक साथ पिरोया गया है ताकि कम जगह में वर्ष भर अच्छी आमदनी होती रहे। यह जो IFS मॉडल है, यह हमारी सुविधा के अनुसार 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन आप अपनी ज़मीन के सुविधा के अनुसार यह कम या बेसी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तालाब का रहना बहुत ज़रूरी है ताकि तालाब के इर्द गिर्द ही इस आप मॉड्यूल को संचालित कर सकते हैं। यह आप अपनी सुविधा के अनुसार डेयरी बेस्ड, पोल्ट्री बेस्ड, गोटरी बेस्ड, हॉर्टिकल्चर बेस्ड, बर्मी कंपोस्ट बेस्ड बना सकते हैं। आइए इसे हम करीब से देखते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं विस्तार से। साथियों, ये जो तालाब इकाई है वो हमारे इस मॉडल की एक मुख्य घटक है। इसमें हमने मत्स्य पालन कर रहे हैं और मत्स्य पालन में भी रोहू, मृगला, कतला, इन्हें जो मछली की जो प्रजाति हैं इनका उत्पादन किया जा रहा है इसमें। और इन जो मछलियां हैं उनको हम खाने के लिए जो हमारे घर के पास में ही जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, जैसे गोबर हुआ, घास हुआ, उसको ही काट के खिलाते हैं और खिलाने की जो लागत है उसको हम कम कर सकते हैं। और ये जो मछली हैं वो लगभग 6 से 8 महीने में लगभग 1 किलो की हो जाती हैं और बेचने योग्य हो जाता है। इससे प्रति वर्ष 60 से 70 हज़ार रुपये शुद्ध इनकम प्राप्त होती है। साथियों, इस मत्स्य पालन इकाई के साथ में हम बतख पालन भी कर रहे हैं। बतख मछलियों के साथ में करना एक बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी है। जब बतख कीड़े मकोड़ों को खाती है तो उससे तालाब साफ होता है, और जब बतख पानी में चलती है तब उस पानी का एयरेशन बढ़ता है। दूसरा, जो मछलियां हैं वो आप अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए इधर से उधर भागती हैं, दौड़ती हैं। जब मछली दौड़ती है तो स्वाभाविक उसका वजन ज़्यादा होता है, और बतख और मछली और तालाब तीनों ही एक अच्छे रूप में कार्य करते रहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में गौ पालन एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन हम दुग्ध के रूप में आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस इकाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि गाय पालन या पशु पालन किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से दूध तो प्राप्त ही होता है और इसका जो गोबर है वो हमारी अन्य कृषि कार्यों के लिए उपयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस समेकित कृषि प्रणाली में मछली पालन हो रहा है, जहाँ पर ये गोबर जाता है तालाब में और वो मछलियों के लिए खाने के रूप में काम आता है, और दूसरा उपयोग हमारा ये गोबर बर्मी उत्पादन के रूप में भी होता है। अभी अभी आप लोग देखे हैं कि गौशाला IFS मॉडल का एक मुख्य इकाई है। उसके साथ साथ हम लोग वो गौशाला का जो उत्पाद है दुग्ध तो लेते ही हैं, वो सिर्फ की 5 ही महीने देते हैं। साल भर उसका गोबर हम लोगों को मिल जाते हैं, उससे हम लोग केचुआ खाद बनाकर साल भर की कमाई ले आ सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग फार्मी कंपोस्ट का यूनिट यहाँ बनाए हैं। ये इसी से साल भर का कमाई तो आ ही जाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसको अपने के लिए यूज भी करते हैं, और जो फसल उगाते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग फार्मी कंपोस्ट ही यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम मुर्गा पालन इकाई पे खड़े हुए हैं, जो कि समेकित कृषि प्रणाली की एक मुख्य इकाई है, जो कि मेरे पीछे दिख रही होगी आपको कि मुर्गा पालन की इकाई जो है इससे हम साल भर कैसे इनकम ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य घटक जो है इसमें कई प्रकार की मुर्गियों का हम पालन करते हैं। जैसे कि कुछ मुर्गियां हैं यहाँ पे, बंदराज है, कड़कनाथ है, रेनबो रूस्टर है, जिससे कि हम अंडा और मीट दोनों पर्पज से हम इसको कर सकते हैं। और इसका जो मुख्य खाद जो बीट निकलता है उसको हम मछली पालन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मछली पालन जो है उसमें हम जो दाना यूज़ करते हैं वो दाना कम कर सकते हैं, और इसी से हम अधिक आय भी पा सकते हैं। इसके लिए हम मुर्गा पालन कर रहे हैं। हम ए IFS मॉडल के वाई फ्लॉग मशीन में ठहरे हुए हैं।
यहाँ पर हम मछली पालन का एक आसान और एडवांस टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर देखने आए हुए, इसके कारण हम यहाँ पर जो ये मशीन लगाई गई है यहाँ में मछली का उत्पाद किया जाता है। कम जगह और कम पानी के इससे हम ये मछली उत्पादन करना चाहते हैं, यहाँ पर करना चाहते हैं। मछली के बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, उस वैरायटी से हम मछली कम दिनों में ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं। यह इस इकाई की सबसे बढ़िया खूबिया है और इस इकाई में हम मछली का उत्पाद बहुत कम समय में और बहुत बड़ी साइज़ में हम मछली ले सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली की एक महत्वपूर्ण इकाई है। बकरियों को किसानों की एटीएम और गरीबों की गाय कहा जाता है, क्योंकि इससे कभी भी हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों अपने सुविधा के अनुसार तथा मांग के अनुसार से विभिन्न तरह के प्रजातियों को पाल सकते हैं। इस बिहार के ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी जो नस्लें होती है बकरियों की वो ब्लैक बंगाल है। इसके अलावा बीटल, सिरोही, जमुनापारी अपने सुविधा के अनुसार से रख सकते हैं। बकरियों को खाने के लिए जो समेकित कृषि प्रणाली से उत्पन्न सब्जियों तथा फलों के अवशेष होता है उसको हम लोग एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग उसको खिलाते हैं, जिससे हमारा लागत कम हो जाता है। और बकरियों को खिलाने के लिए जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये विचरण करने के लिए हम लोग घास चरने के लिए इसको रखे हुए हैं तथा इसका जो बीट आता है डायरेक्ट हमारा तालाब में जाता है, ताकि मछलियों के उत्पादन में हम लागत को कम कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में फल, सब्जी एवं नर्सरी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके तहत हम देखते हैं कि हमारे तालाब के चारों तरफ जो हमने अमरूद के पौधे लगाए हैं, उसके साथ साथ जो हमने जो सब्जी है हमारी, सब्जी में खास तौर से जो हमारी सीजन की फसलें हैं गोभी है या और उनकी नर्सरी है, नर्सरी तैयार करके हम पूरे साल सीजन के आधार पर नर्सरी तैयार करते हैं और लगातार आमदनी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ साथ जो इसके साथ साथ सब्जियों के साथ हम पौधे लगाते हैं अमरूद के या केला के या अन्य कोई पौधे, उनसे हमें फल के साथ साथ हमें इनकी जो लीफी वेजिटेबल है वो जो लीफी वेजिटेबल है, इनकी पत्तियां हैं, हमारी जो अन्य इकाइयों की जो चर्चा की जा चुकी है जैसे बकरी है उसके लिए हम खाना भी मिल जाता है पत्तियों का। ये हमारा औद्यानिक फसलों का जो घटक है समेकित कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर समेकित कृषि प्रणाली में फल एवं सब्जियों के साथ जो हम नर्सरी पैदा करते हैं उससे सीजन के आधार पर हमें पूरे साल भर इन फसलों से हमें आमदनी प्राप्त होती रहती है। साथ ही साथ जो भी हमारी फसलें निकलती हैं, जैसे आप गोभी देख रहे हैं, ये गोभी है, गोभी इससे हमको साल भर जो सीजन गर्मी की फसलें हैं या सर्दियों की फसलें हैं उनसे हमें आमदनी प्राप्त होती है। और जो ये सब्जियां होती हैं ये खास तौर से जैविक होती हैं, इनमें हम किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं करते। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी गोभी है जिसका हम उपयोग करते हैं, बर्मी कंपोस्ट जो हमारा यहाँ उत्पादन होता है उसी का हम उपयोग करके यहाँ की सब्जियों को उत्पादन करते हैं, जो मुख्यतः जैविक हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत लाभप्रद हैं। और इसी के साथ जो हमारा फल नर्सरी का जो भी हमारा घटक है औद्यानिक घटक, वो समेकित कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे हम साल भर आमदनी प्राप्त करते हैं और जितनी भी हमारी इकाइयां हैं उनको इससे लाभ मिलता रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में अनेक तरह की इकाइयां स्थापित की गई हैं, उन्हीं में से एक इकाई है मशरूम उत्पादन इकाई। इस इकाई में कम जगह की आवश्यकता होती है और छोटी से छोटी जगह में भी हम मशरूम उत्पादन की इकाई स्थापित करके हम कम समय या कम लागत से अधिक उत्पादन और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी इस इकाई के माध्यम से सर्दियों में बटन मशरूम का उत्पादन हम लोग करते हैं और फरवरी से लेकर मार्च तक पैडी स्ट्रा
या जिसको ढिंगरी मशरूम कहते हैं उसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा गर्मी सीजन की जो अनुकूल प्रजाति होती है उन मशरूम का उत्पादन करते हैं। इस तरह से हम साल भर मशरूम के माध्यम से एक पैसा कमाने का अपनी इस यूनिट से एक स्थायी जरिया बना रखे हैं, और यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मत्स्य पालक भाई अपने घरों में अपने खेत तालाब में जो मछली पालन करते हैं वहाँ से उनको निकासी के दरमियान उन्हें नर और मादा मछलियाँ प्राप्त होती हैं। मादा मछलियों को तो उनको एक जगह कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखना चाहिए जिससे उनको आय में ज़्यादा प्राप्ति हो, और नर जो मछलियाँ होती हैं इनको बाज़ार में बिक्री कर देनी चाहिए। मादा मछलियों को हम एक टैंक में रखते हैं और टैंक में ही हम उन्हें इंजेक्शन के द्वारा उससे उनके अंडे प्राप्त करते हैं, और उस अंडे से हम अगले दिन ही हम उनसे जो है उनके बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, और उनको हम बढ़ा करके अपने तालाब में या इस तरह का जो टैंक हम बहुत सारा यहाँ पर टैंक देख रहे होंगे इन सभी टैंकों में हम संचय करके बढ़ाते हुए हम जीरा उनको जीरा के तौर पर प्रयोग करते हैं, और फिर जीरा से हम उनको फिंगरलिंग बना लेते हैं, और इसी फिंगरलिंग बनाने के दरमियान हमारे पास आवश्यकता पड़ती है कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जिसको हम एक तालाब नुमा जो हमारा छोटा छोटा टैंक होता है हम उसमें ट्रांसफ़र करते जाते हैं, तदुपरांत हम अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि आपने अभी एक बाइट में देखा होगा कि हमारी जो छोटी मछलियाँ हैं वो बड़े रूप में आ चुकी हैं, जैसे जैसे इनकी वजन हम लगभग देखते हैं 100 ग्राम से ऊपर हो जाता है हम इन्हें बड़े तालाब में संचय के लिए ले जाते हैं। इन मछलियों के द्वारा एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है पानी की बहुतायत पाई जाती है बिहार में जहाँ बाढ़ प्रोन एरिया है, अगर हम पानी का संचय कर ले और उससे हम अपनी मछलियों की आमदनी को लेना चाहते हों तो ये हमारे लिए हमारे मत्स्य पालकों के लिए बहुत अच्छा आय का स्रोत हो सकता है। साथ ही साथ हमारे मत्स्य पालक कि जो आर्थिक स्थिति है आज के दिनों में ख़राब होने का मुख्य कारण है वो सिर्फ मछलियाँ बिक्री करना चाहते हैं, अच्छा ये हो कि वो अपने यहाँ फ्राई फिंगरलिंग यानी जीरा का उत्पादन बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि समेकित कृषि प्रणाली एक विभिन्न इकाइयों का एक समूह है जो एक दूसरे के पूरक हैं और वो एक दूसरे के पे ही निर्भर हैं, और सभी जो इकाइयां हैं वो उनसे प्रति साल भर हमको कुछ ना कुछ उत्पादन होता रहता है और हमको लाभ होता रहता है, जिससे कि जितनी भी हमारी इकाइयां हैं वो सालों भर हमको उत्पादन देती हैं, और ये सब हमारा जो समेकित कृषि प्रणाली है ये पूरे सालों भर हमको लाभ देने की एक मुख्य जरिया है। और इसी के साथ समेकित कृषि प्रणाली अपनाओ और सालों भर आमदनी पाओ।